नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए स्वादिष्ट कढ़ी, और शायद आपने इस तरीके की कढ़ी ना बनाई होगी ना खाई होगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आजकल ये सीजन में अच्छे से मिल रहा है, तो देखिए इसके लिए मैंने कुम्हड़ा लिया है। इसे आप सफ़ेद कद्दू भी बोल सकते हो, या जो कुछ आपके यहाँ बोला जाता हो, हमारे यहाँ इसे कुम्हड़ा बोला जाता है। तो देखिए मैंने ये कच्चा कुम्हड़ा लिया है, तो इसको हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से कट करना है, और इसका जो ऊपर लेयर है वाइट वाइट, ये बालों में नहीं लगनी चाहिए, इसलिए सावधानी से काम करें, और ना ही इसका पानी लगना चाहिए। तो बहुत ही सावधानी से इसको काटें और बच्चों से ही इसको दूर रखें। तो देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया, और जब भी आप ये सब्ज़ी बनाएं या इस तरीके की रेसिपी बनाएं तो कच्चा ही लें, पका ना लें, क्योंकि पकाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो देखिए बस इस तरीके से हमें इसको छील लेना है, और छीलने के बाद काट लेना है। ये बड़ी आसानी से कट जाएगा और छिल भी जाएगा, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके बीज हम कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, और इन बीजों को और इसके पल्प को हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम रस निकाल लेंगे। रस इसका भी बहुत ही फायदेमंद है, मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए कुछ इसको इस तरीके से टुकड़ों में काट लेते हैं। हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है, छोटे टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं काटना है। और इसको मैंने काटने से पहले अच्छे से धुल लिया है, साफ कर लिया। तो जब भी आप बनाएं तो इसको पहले साफ़ कर लें अच्छे से, तब इसको बनाएं। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया, अब दोबारा इसको हम पानी से धुल लेते हैं। तो अब हम एक प्रेशर कुकर लेते हैं, इसमें इसको डाल देते हैं। तो जो मैंने पीसेस किए हुए हैं इसको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मैंने थोड़ा सा, एक कप जितना पानी डाला हुआ है, और नमक डाल देते हैं आधा चम्मच। अब इसको अब हमें पकाना है, तो गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, और इसको सिर्फ दो विज़ल आने तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। दो विज़ल में ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब पकने के बाद इसको हम अपने आप ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें दो विज़ल आ गई हैं, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, और इसको अब ठंडा होने देते हैं। तब तक चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो इसके लिए एक बर्तन लेते हैं, और एक कटोरी हम ये दही लेते हैं। आप दही थोड़ा सा खट्टा लें, बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना लें। और इसमें हम डाल देते हैं 4 चम्मच भर के बेसन। तो मैंने भर भर के बेसन डाला हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमें बेसन डालना है। तो देखिए मैंने 4 चम्मच बेसन डाल दिया। अब इसको हम फेंट लेते हैं, जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। तो बस हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम बेसन को इस तरीके से फेंट देंगे तो कढ़ी जब बनाएंगे तो वो ज़्यादा उबलेगी, तो इसलिए हमें नहीं फेंटना। अब इसी कटोरी से हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लम्स इसमें बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक डालते हैं, क्योंकि मैंने जब उसको उबाला है तो उसमें भी मैंने नमक डाला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा ही नमक इसमें डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसको एक साइड हम रख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से पीसेस इसके उबल चुके हैं। तो इनको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। इसके बाद एक कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई में हम डाल देते हैं ऑयल। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया हुआ है, जो आप जो भी ऑयल से कढ़ी बनाते हो उसे बना सकते हो। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम मेथी डाल देते हैं, और साथ में हम डाल देते हैं सरसों के सीड्स। आप राई भी डाल सकते हो, और डाल देते हैं इसमें कड़ी पत्ता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन डाल देते हैं, आप जो भी चीज़ ना खाते हो वो ना डालें, तब भी ये कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, जिससे कि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। इसमें हम प्याज डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। तो मैंने 1 प्याज लिया है, 6 से 7 कली लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। आप चाहें तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके डाल दी। अब इसमें हम ये पेठा डाल देते हैं, और इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। तो दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो निसंकोच आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल बटन भी दबा सकते हैं।
तो देखिए अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक अब ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है, चौथाई चम्मच से भी कम डालना है क्योंकि मैंने पहले भी इसमें नमक डाला हुआ था उबालने में और साथ में जो बनाया है उसमें भी मैंने नमक डाला हुआ है। अब इसको हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं और अच्छे से इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे जिससे कि पूरा मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। ढक कर के हम इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं और बीच में एक बार चला देंगे जिससे कि तली में लगे ना और जले ना। तो आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया से ये पका तो पहले ही था और फ्राई भी बहुत अच्छा हो गया है। आप इस तरीके की सब्ज़ी भी बना सकते हो, बस थोड़े से मसाले और डालने हैं। और अब हम ये बैटर डाल देते हैं, बराबर चलाते हुए हमें पकाना है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे जिससे कि ये झटपट पकने लगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी और डाल देते हैं। तो बस इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये अच्छे से उबलने न लगे। यदि हम इसको नहीं चलाएंगे तो ये तली में लग जाएगी और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम अभी मैंने हाई रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये कितनी बढ़िया से उबलने लगी है। अब हम इसको आधा ढक देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो देखिए इसका कुछ इस तरीके से फ्लेवर आया हुआ है और चला करके हम फिर ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर इसको चेक कर लेते हैं। बस इस तरीके से हमें 3 से 4 बार हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना है। अब आप कैसी ग्रेवी इसकी पसंद करते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। यदि आप थोड़ी सी पतली ग्रेवी पसंद करते हो तो बस आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। तो हमारी बढ़िया सी देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार है और बिल्कुल नए तरीके की बनी है, क्योंकि आजकल बढ़िया सा सफ़ेद कद्दू आ रहा है उससे बना सकते हो और ये खाने में भी फ़ायदेमंद है। तो इसको अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से पक गई है। तो एक अलग तरीके की ये रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इसके ऊपर एक हम लाल मिर्च डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगे। जब देखने में कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो खाने में भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके से ये रेसिपी बना सकते हो। तो इस कढ़ी को आप पूरी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ही यम्मी बनी है। तो दोस्तों यदि ये हमारी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।